हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है रूबी। फ्रेंड्स, दोपहर का समय है और इस समय मैं बना रही हूँ खाना। तो यहाँ पर देखिए, आलू उबल रहा है। आज आप सबके साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ, वो क्या है चलिए बताते हैं। आज मैं बना रही हूँ हेयर मास्क, जो बालों पर लगाते हैं हेयर मास्क। तो हेयर मास्क बनाना और लगाना, तो मैं इसको कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, लगा भी चुकी हूँ। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छा मास्क है जो बालों पर लगाते हैं। मैं लगाकर आपको दिखाऊंगी और चलिए बताते हैं कि मैं किसका बनाने जा रही हूँ हेयर मास्क। मैं किचन में हूँ, ये मेरा छोटा सा किचन है, इसी में मैं अपना सारे काम है जो करती हूँ। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मिक्सी का जार है। तो ये मेथी दाना है, 1.5 चम्मच मेथी, 2 चम्मच मेथी दाना है और 1 चम्मच कलौजी है। तो इसको मैंने ये भीगा हुआ है और इसको मिक्सी के जार में डाला हुआ, तो मैं इसका जा रही हूँ फाइन सा पेस्ट बनाने। तो बस इसमें दो ही चीज़ है, कलौजी और मेथी दाना है। और इसका जो थोड़ा सा पानी होता ना, तो ये भी है, तो पानी इसका मैं वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ही हेल्दी पानी होता है, इसको फेंका नहीं जाता है। तो चलिए मैं इसको पीस के आपको ले आकर दिखाती हूँ, इसका पेस्ट बनाकर। बच्चे थोड़ा खेल रहे हैं इसीलिए थोड़ी सी बच्चों की भी आवाज़ आ जाएगी। हमने पीसा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये कलौजी और मेथी है और ये दही है। तो अभी इसको हम डालेंगे इसमें, दही को आई हुआ आपको दिख रहा हो, यहाँ पे देखिए इसको हम डाल देंगे दही को। दही डालने के बाद हम इसको, जो हमारा कलौजी मेथी में डाला हुआ है दही है, तो इसको हम मिक्स करेंगे, गुलथी ना रहे। और ये बचे हुए थोड़े दही थे तो इनको भी हमने डाल दिया है। और दही डालने के बाद फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये कोकोनट ऑयल है, तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तेल सरसों का है, ऑलिव ऑयल है, तो मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। और ऑयल यूज़ करने के बाद फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मास्क बन के तैयार हो गया है और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये इस टाइप का मास्क बना हुआ है, तो मैं इसको ना अपने बालों पे लगा के आपको अभी दिखाती हूँ। आप जब हेयर मास्क यूज़ करिए तो आप थोड़ा अपने बालों में शैम्पू करके यूज़ करिए और ऑयल नहीं लगे होने चाहिए, तो गंदे बालों में यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने वॉश किया है, साफ है मेरे बाल। और थोड़ा सा हम मांग निकाल निकाल के फिर लगाएंगे, जिस इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ। और थोड़े थोड़े मांग निकाल के लगाने से ये होता है कि हमारे जड़ों तक पूरे पहुँचते हैं, अंदर तक पहुँच जाते हैं। अगर ऊपर ऊपर से हम लगा लेंगे तो हमारे ऊपर ही रहेंगे, अंदर तक नहीं जाएंगे। तो मांग्स निकाल कर हम लगाएंगे, दोनों तरफ से उसी तरीके से लगाएंगे, छोटे छोटे मांग्स निकालेंगे फिर हम लगाते जाएंगे। और ये ना बहुत फिसलता है, बहुत तेज, थोड़ा सिल्की टाइप का होता है, फिसलने का टाइप का होता है ना। तो आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको पीछे साइड में लगा कर दिखा रही हूँ, और जैसे हमने आगे लगाया है मांग निकाल के, उसी तरीके से पीछे की साइड पर भी हम मांग निकाल कर लगा लेंगे। और इसी तरीके से हम अपने सारे बालों में लगाएंगे और आगे से भी हम लगा लेंगे। और जो बचे हुए हैं पूरा हम यूज़ कर लेंगे। और ऊपर से लगाने के बाद हम लेंथ तक भी लगाएंगे, क्योंकि लेंथ पर भी लगाया जाता है। और लगाने के बाद हम इसको अच्छे से थोड़ा सा, जैसे ऑयल मसाज करते हैं ना, उसी टाइप के हल्के हाथों से थोड़ा हम मसाज करेंगे। मसाज मतलब थोड़ा सा मिला देंगे मांगों तक, ऐसे लगाते जाएंगे, थोड़ा सा हम मसाज करते जाएंगे ताकि हमारा ये अच्छे से लग जाए, जड़ों तक पहुंच जाए। और लगाने के बाद फिर हम इसको जूड़ा बना लेंगे। तो हमने जूड़ा बना लिया है,
एक घंटे या सकते हैं, तो उसके बाद फिर हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करके फिर हम आपको दिखाएंगे और जो हमारा लगा हुआ है इनको साफ़ कर लेंगे। मेरे बाल सूख चुके हैं और ये एक घंटा हो गया है, तो अभी मैं जा रही हूँ इसको वॉश करने, फिर आपको धुल कर दिखाऊंगी। देखिए मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और कितनी शाइनी है बालों में। और मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ, मास्क लगाने के बाद आप अपने हेयर को वॉश करने जा रहे हैं तो आप वॉश करिए नॉर्मल पानी से, और अगर आपके बाल चिपचिपे लगते हैं तो आप शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे कंडीशनर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे कंडीशनर का काम हो जाता है। तो हफ्ते में एक या दो ही बार यूज़ करिए मास्क, हेयर मास्क। अगर मास्क लगाने जा रहे हैं तो गंदे बालों में बिल्कुल भी मत लगाइए, पहले थोड़ा सा आप हल्का सा शैम्पू कर लीजिए, फिर उसके बाद हेयर मास्क का यूज़ करिए। हेयर मास्क लगाने के बाद आप आधा घंटा या एक घंटा रख सकते हैं, कम से कम आधा घंटा, और ज़्यादा रख सकते हैं तो एक घंटा रख दीजिए। बस ये रहा आज का टिप्स, और फ्रेंड्स आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।